भगवान श्री रमण महर्षि के ईश्वर के बारे में विचारों में निश्चितता नहीं थी। बाहरी तौर पर कभी वे ईश्वर पर पूरा भरोसा और विश्वास बनाए रखने को कहते तो कभी भगवान के असत्य होने की बात करते, परंतु वास्तव में उनकी बातों में कोई भिन्नता नहीं थी। दरअसल वे किसी दर्शन का प्रतिपादन नहीं करना चाहते थे, वे सदा आध्यात्मिक पथ पर व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया करते थे। जो व्यक्ति अद्वैत आत्मा को समझ सकता था उसे समझ आता था कि यह उसकी अपनी आत्मा है और ईश्वर की आत्मा है तथा विश्व की भी है। जहाँ भी कोई अपने अहम की आभासी वास्तविकता से चिपका रहता है वह आत्मा को भगवान की तरह समझ सकता है जिसने कि उसे गढ़ा है। अपनी आवश्यकता अनुसार वे व्याख्या करते हैं। इसमें अन्य मामलों की तरह वे चर्चा की व्यर्थता को इंगित करते हैं। दोनों पथ का अनुगमन करना उपयोगी है, दोनों का अनुमान लगाना नहीं। सभी धर्मों में इन तीन बुनियादी बातों को लिया जाता है, संसार, आत्मा और ईश्वर। परंतु केवल एक ही सत्य इन तीनों के रूप के में सामने आता है। जब तक अहम जीवित रहेगा तब तक ये तीनों तीन ही दिखेंगे। इस तरह जो अहम के मरने के बाद अपने भीतर स्थित होता है उसे ही संपूर्ण अवस्था में कहा जाता है। यह संसार सत्य है नहीं, यह तो भ्रम की छाया मात्र है। यह संसार सजग है नहीं, यह संसार प्रसन्नता है नहीं, तो इसमें तर्क करने वाली क्या बात है। वह अवस्था सबको मिल सकती है, केवल बाहरी दृष्टिकोण को त्याग कर अपनी आत्मा को जानना होगा और अपने व अहम के बारे में द्वैत की सारी धारणाओं को मुक्त करना होगा। अगर कोई साकार है तो संसार और ईश्वर भी साकार दिखेगा। अगर कोई निराकार है तो आकार कोई कैसे दिख सकेगा? क्या नेत्र के बिना किसी वस्तु को देख सकते हैं? आत्मा को देखना ही नेत्र है और वह नेत्र है अनंत का नेत्र। ब्रह्म को देखना या जानना नहीं है, यह दृष्टा, दृश्य और दर्शन के संबंध और ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय से भी परे है। सत्य सदा वही रहता है जो वह है। हमारे भ्रम की वजह से ही इस अज्ञान और संसार का अस्तित्व है। ज्ञान और अज्ञान सत्य नहीं है। जो भी उनसे परे है, विपरीत के सारे जोड़ों से परे है, वही सत्य है। यह ना तो प्रकाश है और ना ही अंधकार, यह उन दोनों से परे है। हालांकि हम कई बार इसे प्रकाश और अज्ञान को इसकी छाया के रूप में संबोधित करते हैं। जब भी कुछ समझाने की बारी आती तो भगवान विस्तार से सारी बात करते। वे सदा जिज्ञासु को उस एक आत्मा के सिद्धांत की ओर वापस ले जाते। मिस्टर थॉमसन एक नवयुवक हैं जो पिछले कुछ वर्षों से भारत में ही रहकर हिंदू दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। वे पूछते हैं, भगवद गीता कहती है मैं ब्रह्म का अवलंब हूँ, दूसरे स्थानों पर यह कहती है मैं प्रत्येक के हृदय में हूँ। इस तरह परम नियम के विभिन्न पक्ष प्रकट होते हैं। मैं इन्हें तीन पक्षों में विभक्त करता हूँ, अनुभव, अतीत, स्थिर और लौकिक। क्या ज्ञान इन तीनों में से कोई एक है या ये सब है? अनुभवातीत से लौकिक तक आते हुए वेदांत माया के रूप में नाम व आकार को त्याग करता है। वेदांत पुनः कहता है कि संपूर्ण ही ब्रह्म है। जैसा कि सुवर्ण और सुवर्ण के आभूषणों से स्पष्ट है, हम इस सत्य को कैसे जानें? भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा अहम्। अगर उस अहम को जान लिया तो सबको जान लिया। भक्त पूछता है, वह तो केवल स्थिर पक्ष हुआ। इस पर भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, अभी आपको लगता है कि आप एक व्यक्ति हैं। आपके बाहर एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में एक ईश्वर है, तो यहीं से विलग होने का भाव आता है। यह विचार त्यागना होगा।
ईश्वर आपसे और संसार से अलग नहीं है। गीता भी कहती है, हे गुडाकेश, मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों में स्थित आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। इस प्रकार ईश्वर सबके हृदय में ही नहीं बल्कि सबके आश्रय भी है। वे ही सबके स्रोत, सबके आवास और अंत भी हैं। सब उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, उनमें ही वास करते हैं और उनमें ही लीन होंगे। इस तरह वे अलग नहीं हैं। भक्त पूछता है, हम गीता में दी गई इस पंक्ति को कैसे समझ सकते हैं? यह संपूर्ण संसार मेरा एक अंश है। भगवान कहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर का एक छोटा सा अंश अलग होकर संसार की रचना करता है। उनकी शक्ति कार्य कर रही है और उस गतिविधि के परिणाम स्वरूप विश्व प्रकट होता है। ठीक इसी तरह पुरुष सूक्त में भी कहा गया है, पदोस्य विश्वभूतानि, सभी जीव उसके एक पैर से उत्पन्न हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म चार हिस्सों में है। भक्त पूछता है, मैं समझ सकता हूँ ब्रह्म को विभाजित नहीं किया जा सकता, वह सदा से ही ज्ञानी है, मनुष्य नहीं जानता और उसे यही जानना है। ज्ञान का अर्थ होगा कि शाश्वत सत्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए, ताकि यह समझा जा सके कि आत्मा की ब्रह्म है। विलग होने का भाव ही बाधाओं को रूप लेता है। आपको स्मरण रखना होगा कि आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। महान रहस्यवादियों को छोड़ दें तो ईसाई स्थाई सत्य और एक अलग अहम के विचार से जुड़े रहते हैं। श्री भगवान ने एक यहूदी फादर से इस बारे में बात की थी, परंतु इसका कोई नतीजा नहीं निकला। भगवान फादर के मन को आत्म अनुसंधान की ओर लाना चाह रहे थे और फादर सैद्धांतिक व्याख्या चाहते थे। सेक्रेड हार्ट कॉलेज शेप गानूर कॉडक कनाल में दर्शन के प्रोफेसर डॉक्टर एमिली गेदियर ने पूछा, क्या आप मुझे अपनी शिक्षाओं का सार दे सकते हैं? इस पर भगवान श्री रमण महर्षि ने कहा, आप उन्हें मैं कौन हूँ पुस्तक की मदद से जान सकते हैं। फादर ने पूछा, मैं उन्हें पढ़ लूँगा, पर क्या आपके श्रीमुख से शिक्षाओं का केंद्र बिंदु सुनने को मिल सकता है? भगवान कहते हैं, शिक्षाओं का केंद्र बिंदु ही तो बड़ी बात है। फादर पूछते हैं, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। इस पर भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, यही कि आपको केंद्र का पता लगाना चाहिए। फादर पूछते हैं, मैं ईश्वर से जन्मा हूँ, क्या ईश्वर मुझसे अलग नहीं है? इस पर भगवान कहते हैं, यह सवाल कौन पूछ रहा है? ईश्वर ने नहीं पूछा। यह पता तो करो कि आप कौन हैं और तब आपको पता लगेगा कि ईश्वर आपसे अलग है या नहीं। फादर ने पूछा, ईश्वर संपूर्ण है और मैं असंपूर्ण हूँ, मैं उन्हें पूरी तरह से कैसे जान सकता हूँ? भगवान ने कहा, ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा, यह प्रश्न आपने पूछा है। जब आपको यह पता लग जाए कि आप कौन हैं, इसके बाद आप पता कर सकते हो कि ईश्वर क्या है। फादर ने पूछा, पर आपने अपनी आत्मा को खोज लिया है, कृपया हमें पता लगने दें कि क्या ईश्वर आपसे अलग है। श्री रमण महर्षि ने बताया, यह तो अनुभव की बात है, हर किसी को स्वयं ही अनुभव लेना होगा। फादर ने पूछा, ओहो अच्छा, ईश्वर असीम है और मैं सीमित हूँ, मेरा एक व्यक्तित्व है जो कभी प्रभु में लीन नहीं होगा, ऐसा ही है ना? भगवान ने कहा, अनंत और संपूर्णता को अंशों में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई सीमित जीव अनंत से अलग है तो अनंत की संपूर्णता नहीं रहेगी। इस तरह आपका कथन ही विरोधाभासी है। फादर ने पूछा, नहीं देखिए, यहाँ दोनों हैं, ईश्वर और सृष्टि। इस पर भगवान कहते हैं, आपको अपने व्यक्तित्व का पता कैसे चला? फादर ने कहा, मेरे पास एक आत्मा है, मैं उसे उसकी गतिविधियों से जानता हूँ। भगवान ने पूछा,
क्या आप इसे गहरी नींद में भी जानते थे? फादर ने कहा, गहरी नींद में गतिविधियां बंद होती हैं। भगवान ने कहा, परंतु नींद में आपका अस्तित्व तो था और आप अब भी हैं। इन दो में से आपका वास्तविक सत्य क्या है? फादर ने कहा, सोना और जागना मात्र संयोग है, मैं ही उनके पीछे का तत्व हूँ। उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा कि उनकी घड़ी आने का समय हो गया था। वे श्री भगवान को धन्यवाद करके वापस चले गए। इस तरह ये वार्तालाप अचानक समाप्त हो गया। इसी वार्तालाप के साथ ही कई तरह की बातें सामने आईं जो धर्मशास्त्रियों व दार्शनिकों को परेशान करती हैं, जैसे दैवीय सर्वव्यापकता, स्वतंत्र इच्छा, प्राकृतिक नियम और दैवीय गतिविधि, निजी देव। परंतु फिर भी भगवान के उत्तरों का लहजा ऐसा था मानो वे इन बातों को गौण ही रखते हों। भक्त ने पूछा, मेरी स्वतंत्र इच्छा तथा उस सर्वशक्तिमान की इच्छा के बीच क्या संबंध है? क्या ईश्वर की सर्वशक्ति अहम की स्वतंत्र इच्छा के साथ बनी रहती है? क्या ईश्वर का सर्वज्ञान अहम की स्वतंत्र इच्छा के साथ बना रहता है? क्या प्राकृतिक नियम ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा के साथ बने रहते हैं? इस पर भगवान ने कहा, जी हाँ, स्वतंत्र इच्छा दृष्टि के लिए सीमित रही है और रहेगी। वही अहम इसकी पिछली गतिविधियों को नियमों के अधीन देखती है। इसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा नियमों के अधीन कड़ियों में से होगी। ईश्वर की सर्वशक्ति और ज्ञान को तब अहम द्वारा अपनी इच्छा के प्रकटीकरण के जरिए कार्य करते हुए देखा जाता है। तब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अहम प्रकटीकरणों के जरिए अवश्य जाना चाहिए। प्राकृतिक नियम प्रभु की इच्छा के रूप हैं और वे प्रस्तुत किए गए हैं। आगे के वार्तालाप में इस बात पर बल दिया गया कि मनुष्यों को सिद्धांतों की चर्चा करने की बजाय अभ्यास पर बल देना चाहिए। भक्त ने पूछा, क्या ईश्वर निजी है? भगवान ने कहा, जी हाँ, वे सदा से प्रथम पुरुष हैं जो सदा आपके आगे खड़े हैं, क्योंकि आपने संसारिक वस्तुओं को प्राश्रय दे रखा है, इसलिए वे आपको पृष्ठभूमि में दिखते हैं। अगर आप सब त्याग कर उन्हें ही देखते हैं तो वे मैं या आत्मा के तौर पर आपके साथ होंगे। भक्त पूछता है, अद्वैत के अनुसार बोध या ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में दिव्य के साथ संयोग होता है, वही विशिष्ट अद्वैत के अनुसार परिवर्तित संयोग होता है और द्वैत के अनुसार संयोग होता ही नहीं है। इनमें से किस दृष्टिकोण को सही माना जाना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, इस बारे में क्या अनुमान करना कि आने वाले समय में क्या होगा? सभी मानते हैं कि मैं का अस्तित्व होता है, भले ही कोई किसी भी चिंतन परंपरा से क्यों ना हो। पहले साधक को यही पता लगाना चाहिए कि मैं क्या हूँ, तब उसके पास यह जानने के लिए बहुत समय होगा कि अंतिम अवस्था क्या होगी। क्या मैं उस स्रोत में लीन होऊंगा और उससे अलग रहूंगा? हमें पहले से ही निष्कर्ष निकालने की बजाय अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। भक्त ने पूछा, यदि अंतिम अवस्था के बारे में थोड़ा पता होता तो क्या साधक के लिए बेहतर ना होता? इस पर भगवान कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की अंतिम अवस्था क्या होगी? अभी से इसे तय करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला, इसका कोई मोल नहीं है। भक्त ने कहा, क्यों नहीं? भगवान ने कहा, क्योंकि आप एक गलत नियम पर चल रहे हैं। आपके निष्कर्ष बुद्धि के अनुसार है, जो आत्मा से निकले प्रकाश से ही जगमगाती है। बुद्धि जिसके प्रकाश में जगमगा रही है, भला उसके बारे में ही परख कैसे कर सकती है? ऐसा करना दुष्टता नहीं होगी। जो बुद्धि कभी आत्मा तक नहीं जा सकती, उसे कभी नहीं पा सकती, उससे यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह
ज्ञान की अंतिम अवस्था की प्रकृति को जान लेगी। मानो आप मोमबत्ती की रोशनी के माध्यम से प्रकाश के स्रोत सूर्य की रोशनी को मापना चाह रहे हैं। मोमबत्ती का मोम तो सूर्य के निकट जाने से बहुत पहले ही पिघल जाएगा। इस तरह अनुमान और दावों में उलझने की बजाय स्वयं को यहीं व अभी उस सत्य की खोज में लगा दो जो सदा से तुम्हारे भीतर है। कई बार हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं के बारे में भी भगवान श्री रमण महर्षि से सवाल पूछे जाते थे। इस संदर्भ में यह बताया जा सकता है कि ईसाई और मुसलमानों की तरह हिंदू भी एक ईश्वर को मानते हैं। हिंदुओं ने जो सवाल पूछे उनमें से कुछ को दर्ज किया गया। हालांकि हिंदू विविध रूपों में आने वाले देवों को भी पूछते हैं। कोई भी एक संभावना, नाम या रूप या फिर दृष्टिकोण दूसरे को नीचा नहीं दिखाता। भक्त पूछता है, इतने सारे देवों का उल्लेख क्यों होता है? भगवान ने कहा, शरीर एक है परंतु इसके द्वारा कितने काम किए जाते हैं। इन सभी कामों का स्रोत तो एक ही है। देवों के साथ भी यही कहा जाता है। कई बार यह भी पूछा जाता कि क्या विविध देव और उनके स्वर्ग आदि असली हैं, परंतु ऐसे प्रश्न इस भौतिक जगत और प्रश्नकर्ता के शरीर की पहचान से जुड़े होते हैं। यह एक ऐसी धारणा थी जिसे भगवान स्वीकार नहीं करते थे। वे इस तरह के प्रश्न को ऐसे अन्य प्रश्नों की तरह ही सत्य की खोज की ओर मोड़ देते। भक्त पूछता है, क्या देव, ईश्वर, विष्णु और उनके स्वर्ग, कैलाश और वैकुंठ आदि असली हैं? इस पर भगवान कहते, वे उतने ही असली हैं जितने आप इस शरीर में हैं। भक्त पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे मेरे शरीर की तरह भौतिक उपस्थिति रखते हैं या वे किसी खरगोश के सिंगों की तरह केवल कल्पना की उपज हैं। भगवान ने कहा, उनका अस्तित्व है। भक्त ने पूछा, अगर ऐसा है तो वह कहीं ना कहीं होंगे, वे कहाँ हैं? भगवान ने कहा, आपके भीतर। भक्त ने पूछा, तब तो वे मेरा विचार मात्र हुए, कुछ ऐसा जिसे मैं रच सकता हूँ और अपने वश में कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, सब कुछ यही तो है। भक्त ने पूछा, पर मैं तो कल्पना कर सकता हूँ जैसे खरगोश के सिंह या एक आंशिक सत्य जैसे मृग मरीचिका, जबकि कितने तथ्य मेरी कल्पना से कहीं परे ठोस और साकार है। क्या देवता, ईश्वर और विष्णु आदि भी ऐसा अस्तित्व रखते हैं? भगवान ने कहा, जी। भक्त ने पूछा, क्या देवता आदि भी चक्र के अंत में प्रलय में विलीन होंगे? भगवान ने कहा, उनके साथ ऐसा क्यों होगा? जब आत्मा से परे जाने वाला मनुष्य इस प्रलय से अपनी रक्षा कर लेगा तो ईश्वर क्यों नहीं कर सकेंगे? वे तो मनुष्य से कहीं अधिक बुद्धिमान और योग्य हैं। भक्त ने पूछा, क्या देवों व शैतानों का अस्तित्व है? भगवान ने कहा, जी हाँ। भक्त ने पूछा, हम उस सर्वोच्च दिव्य चेतना को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इस पर भगवान ने कहा, जैसी वह है उसी रूप में कर सकते हैं। भगवान ने अरुणाचल को देव मानते हुए उनकी स्तुति में जो पद रचे उनके बारे में एक मुसलमान प्रोफेसर ने कुछ प्रश्न किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भक्त ने पूछा, मैंने अरुणाचल पर रचे गए पद पढ़े हैं, मैंने पाया कि आपने उनमें अरुणाचल को संबोधित किया है, परंतु आप तो एक अद्वैतवादी हैं, तो आप भगवान को एक अलग अस्तित्व के रूप में कैसे ले सकते हैं? इस पर भगवान ने कहा, भक्त, ईश्वर और पद ये सब आत्मा ही है। भक्त ने पूछा, परंतु आप ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं, आपने अरुणाचल पर्वत को देव कहा है। भगवान ने कहा, अगर आप शरीर से आत्मा की पहचान जोड़ सकते हैं तो भक्त अरुणाचल से अपनी आत्मा को क्यों नहीं जोड़ सकता? भक्त ने कहा कि अगर अरुणाचल आत्मा है तो इसे अन्य पर्वतों में से अलग मानकर क्यों चुना गया? ईश्वर तो हर जगह है,
आप उन्हें अरुणाचल के रूप में इंगित क्यों कर रहे हैं? इस पर भगवान ने कहा, आपको इलाहाबाद से यहाँ तक आने के लिए किसने आकर्षित किया? ये सब लोग किसके आकर्षण में इस जगह तक आए हैं? इस पर भक्त ने कहा, श्री भगवान। भगवान ने कहा, मैं इस जगह आने के लिए कैसे आकर्षित हुआ? अरुणाचल के माध्यम से शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। अरुणाचल कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आत्मा ही अरुणाचल है। भक्त ने पूछा, पवित्र ग्रंथों में अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, आत्मा, परमात्मा व परा आदि, उनके बीच क्या स्तर नियत किए जा सकते हैं? इस पर भगवान ने कहा, वे शब्द प्रयोग लाने वाले साधक के अनुसार अर्थ रखते हैं। विभिन्न लोग अपने अपने विकास के स्तर के आधार पर ही समझते हैं। भक्त ने पूछा, आप एक ही अर्थ के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन सब का अर्थ आत्मा ही है। परा का अर्थ है जो सापेक्ष नहीं, जो सापेक्ष से परे है वही परम है। भगवान अक्सर ऐसी बातें कहते जो सुनकर लग सकता था कि वे अनिश्वरवादी है। जैसे बुद्ध के आलोचक ने भी उन्हें इस श्रेणी में रखा है। उदाहरण के लिए वे कहते, आप ईश्वर की चिंता क्यों करते हो? हम नहीं जानते कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, परंतु हमें यह पता है कि हमारा अस्तित्व है। इसलिए पहले अपने पर ध्यान एकाग्र करो, यह पता करो कि तुम कौन हो। वे अनिश्वरवादी नहीं थे। भगवान भी बुद्ध की तरह संपूर्ण ज्ञान के बल पर अपनी बात कहते। वे स्वयं को प्रश्नकर्ता के स्थान पर रखते हुए उसे सलाह दे रहे थे कि अपने विश्वास की बजाय उस बात पर ध्यान एकाग्र करे जिसके बारे में हम जानते हैं। कई बार वे लोगों से यह भी कहते कि उन्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ईश्वर है या नहीं, या ज्ञान पाने के बाद ईश्वर से ऐक्य होगा या नहीं। केवल आत्मनिष्ठ होने का प्रयत्न करें और जब उन्हें वह ज्ञान मिल जाएगा तो बाकी सब भी अपने आप समझ आ जाएगा। केवल सिद्धांतों के बारे में बात करने से कुछ हाथ नहीं लगने वाला। एक भक्त ने 40 पदों के मलयाली संस्करण उल्लडू नरपदू से पाठ किया। उसे सुनने के बाद एक भक्त ने कहा, सबसे आखिर में एक व्यक्ति के प्रयत्नों व एकता के बारे में जो द्वैत का संदर्भ है, उसके लिए भगवान क्या कहना चाहेंगे? भगवान ने कहा, यह उन लोगों के संदर्भ में है जो यह सोचते हैं कि व्यक्ति को द्वैत के विचार के साथ आध्यात्मिक प्रयत्नों का आरंभ करना चाहिए। उनका कहना है कि ईश्वर है और जब तक व्यक्ति उस आत्मा में लीन ना हो जाए तब तक उसे ही पूजा जाना चाहिए और उसमें ही ध्यान लगाया जाना चाहिए। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि व्यक्ति और परमात्मा में कभी मिलन नहीं होता, वे दोनों अलग अस्तित्व रखते हैं। पर हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि अंत में क्या होगा। सभी इस बात पर सहमत हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व तो है, तो एक व्यक्ति को इसकी खोज करने दें, उसे उसकी आत्मा का पता लगाने दें। तब उसके पास यह जानने के लिए बहुत समय होगा कि अंतिम अवस्था क्या होगी। क्या मैं उस परम स्रोत में लीन होऊंगा या उससे अलग रहूंगा? क्या आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा या वे अलग रहेंगे? पहले से ही किसी तरह के नतीजों पर आने की क्या आवश्यकता है? अपने दिमाग और सोच को खुला रखते हुए अपने भीतर डुबकी मारो और आत्मा को खोजो। तब आपका सत्य से साक्षात्कार होगा, तो अभी से कोई निर्णय लेना व्यर्थ होगा। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। आपके निर्णय तर्क और बुद्धि पर आधारित होंगे, परंतु बुद्धि को अपना प्रकाश आत्मा से मिलता है, तो यह आंशिक प्रकाश कैसे मूल प्रकाश का सामना कर सकता है और कैसे इसके स्वभाव और प्रकृति को जान सकता है? एक अमेरिकी महिला का विस्तार से बताते हुए भगवान ने कहा, केवल आत्मा ही सत्य है, शेष सब असत्य है।
मन और बुद्धि का आपसे अलग कोई अस्तित्व नहीं। बाइबल कहती है, निश्चल हो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। केवल निश्चलता के बल पर ही जाना जा सकता है कि मैं ईश्वर हूँ। इसके बाद वे कहते हैं, सारा वेदांत बाइबल के इन दो कथनों में समाया है, मैं हूँ जो मैं हूँ, तथा निश्चल हो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। जिसे आत्मानुसंधान करना कठिन जान पड़ता था, उसे वे उपासना और समर्पण के मार्ग पर चलने को कहते। भक्त ने पूछा, ध्यान करते समय क्या विचार करना चाहिए? भगवान ने कहा, ध्यान क्या है? यह विचारों के प्रवाह में बाधा है। आप दिमाग में एक के बाद एक आने वाले विचारों से व्याकुल रहते हैं। केवल एक विचार को पकड़ें ताकि बाकी विचार तिरोहित हो सके। सजग अभ्यास से मन को इतनी शक्ति मिलेगी कि वह ध्यान में लीन हो सके। साधक के अपने विकास के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया व तकनीक भी अलग अलग हो सकती है। अगर कोई इसके लिए उपयुक्त है तो कोई सीधा चिंतक पर ही विचार कर सकता है, और वह विचार करते ही चिंतक अपने स्रोत में विलीन हो जाएगा, जो कि विशुद्ध चैतन्य है। यदि कोई प्रत्यक्ष तौर पर चिंतक का चिंतन नहीं कर सकता तो उसे ईश्वर पर ध्यान करना चाहिए। इस दौरान वही व्यक्ति इतना शुद्ध भाव पा लेगा कि चिंतक पर ध्यान कर सके और परम सत्ता में लीन हो सके। अगर उपासना का पथ चुना जाए तो वह पूर्ण समर्पण की मांग करता है। भक्त ने पूछा, ईश्वर को साकार व निराकार दोनों ही रूपों में प्रकट किया जाता है। निराकार रूप में वह जगत को अपने अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करता है। यदि ऐसा है तो संसार का हिस्सा होने के नाते हमारे लिए उसका साकार रूप पाना आसान होना चाहिए। भगवान ने कहा, जगत और ईश्वर की प्रकृति जानने से पूर्व अपने आप को जानो। भक्त ने पूछा, क्या अपने आप को जानना ही ईश्वर को जानने के बराबर है? भगवान ने कहा, हाँ, भगवान आपके भीतर है। भक्त ने कहा, तो ऐसा क्या है जो मेरे और ईश्वर के बीच बाधा देता है? भगवान ने कहा, आपका भटकते हुए मन और बिगड़े हुए तौर तरीके। भक्त ने पूछा, मैं एक दुर्बल जीव हूँ, परंतु मेरे भीतर बसी प्रभु की सर्वोच्च शक्ति बाधाओं को दूर क्यों नहीं करती? इस पर भगवान ने कहा, हाँ, अगर आपके भीतर सच्ची लगन होगी तो वह अवश्य करेगा। भक्त ने पूछा, वे मेरे भीतर ये लगन पैदा क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा, तब स्वयं का समर्पण कर दो। भक्त ने कहा, क्या स्वयं का समर्पण करने के बाद ईश्वर से कोई प्रार्थना करना अनिवार्य नहीं रहेगा? भगवान ने कहा, समर्पण अपने आप में एक बलशाली प्रार्थना है। भक्त ने कहा, क्या स्वयं का समर्पण करने से पूर्व उसकी प्रकृति को जानना अनिवार्य नहीं? भगवान ने कहा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए जो किया जाना है वह ईश्वर स्वयं करेगा, तो सब कुछ उस पर छोड़ दो और उसे ही करने दो। अन्यथा ईश्वर को छोड़ो और स्वयं को जानो। अगर स्वयं का समर्पण सच्चा हो तो किसी तरह की शिकायत या कुंठा का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त ने पूछा, हम संसारी लोग हैं और ऐसे दुख में डूबे हैं कि उससे उबर नहीं सकते। हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, परंतु फिर भी हमें संतोष नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो। भक्त ने पूछा, हम समर्पण करते हैं परंतु फिर भी कोई मदद नहीं मिलती। भगवान ने कहा, परंतु अगर आपने समर्पण किया है तो इसका अर्थ यह होगा कि आपको प्रभु की हर मर्जी को मानना होगा, और जो पसंद नहीं है उसके लिए प्रभु को उलाहना नहीं देना होगा। हो सकता है कि जो दिखाई दे रहा है वे सारे हालात बदल जाएं। कई बार लोग दुख के समय में ही प्रभु के प्रति गहरी आस्था प्रकट करते हैं। भक्त ने पूछा, परंतु हम संसारी जीव हैं, हमारे पत्नी बच्चे मित्र व संबंधी हैं, हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते और अपनी व्यक्तिकता को छोड़कर स्वयं को देव इच्छा के हवाले नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं, इसका अर्थ है कि आपने सच्चा समर्पण नहीं किया। आपको प्रभु पर भरोसा रखना होगा। भक्ति के पथ पर चलते हुए सब कुछ प्रभु के हाथों सौंपना चाहिए। प्रभु ही सारे जगत का भार उठाते हैं। अहम इस भार को उठाने का दिखावा करता है।
यह मंदिर में खड़ी अलंकृत प्रतिमा की तरह है, जिसे देखकर लगता है कि सारे भवन का भार उसने ही उठा रखा है। अगर कोई यात्री गाड़ी में अपना सामान रखने की बजाय उसे सिर पर ही रखकर बैठा रहे तो इसके लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है? तत्काल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधीरता भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एक साधक को भगवान ने जवाब दिया, उस प्रभु के आगे समर्पण कर दो और उसकी रजा में चलो, भले ही वह दिखाई दे या ओझल हो जाए, प्रतीक्षा करो। अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी इच्छा से चले तो इसे समर्पण नहीं आदेश कहा जाएगा। तुम उसे आदेश देकर यह नहीं मान सकते कि तुमने उसके आगे समर्पण कर दिया है। उसे ही पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और उसे कब और कैसे करना है। सब कुछ पूरी तरह से उस पर ही छोड़ दो, यह उसका बोझ है और आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी चिंताएं उसकी हैं, समर्पण का यही अर्थ होता है। यहाँ तक कि प्रार्थना को भी विश्वास का अभाव माना जा सकता है। भगवान प्रायः अपील करने के लिहाज से प्रार्थना को प्रोत्साहित नहीं करते थे। वे ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद कहते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो। अगर प्रभु की ही इच्छा पूरी हो तो वे प्रार्थना ही क्यों करते हैं? यह सच है कि हर समय और परिस्थिति में दैवीयता ही व्याप्त होगी। मनुष्य अपनी मर्जी नहीं चला सकता। दैवीय इच्छा के बल को जानो और शांत रहो। ईश्वर सबकी देखरेख करते हैं, उन्होंने ही सबको रचा है। आप उन लाखों करोड़ों में से एक हैं। जब वे इतने जीवों की देखरेख करते हैं तो वे आपको कैसे भुला देंगे? सामान्य बुद्धि तक यही कहती कि मनुष्य को प्रभु की मर्जी के अनुसार ही चलना चाहिए। आपको उसे अपनी ज़रूरतों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही जानता है और अपने आप सब संभाल लेगा। दूसरे कई अवसरों पर वे प्रार्थना की शक्ति को स्वीकार करते दिखते। दूसरे मामलों में उनका दृष्टिकोण यह रहता कि इससे निश्चित प्रश्नकर्ता के आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलेगी। भक्त ने पूछा, क्या आपकी प्रार्थनाएँ पूरी होती हैं? भगवान ने कहा, जीवें पूरी होती हैं। कोई भी विचार कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी ना कभी हर विचार अपना असर दिखाएगा। विचार बल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह देखा गया कि यह सिद्धांत यह एक मानव रूपी देव के निजी प्रत्युत्तर की तुलना में कहीं विस्तृत है। यह साधक के अच्छे और बुरे विचार और चिंतक पर उनके प्रभाव का संकेत करता है। अगर इस बात को समझा जाए तो विचारों की क्रियाओं की तरह ही जिम्मेवारी बनती है। जैसे ईसा ने कहा कि किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करना और उसके साथ व्यभिचार करने के बारे में सोचना दोनों ही पाप की श्रेणी में आते हैं। अगली पंक्तियों से यह पता चलता है कि यह शिक्षा किसी भी मानव रूपी देव से कितनी दूर थी। किसी इच्छा, संकल्प, प्रयास या उगते सूर्य का हिस्सा होने के नाते नहीं, केवल उसकी किरणों की मौजूदगी के साथ ही लैन से ताप पैदा होता है। कमल खिलते हैं, जल का वाष्पीकरण होता है और लोग जीवन में अपने सभी कार्य कर पाते हैं। चुंबक के निकट आने पर सुई घूमती है। ठीक इसी तरह आत्मा या जीव सृजन, पालन और विनाश की तीनों गतिविधियां में संलग्न रहती है, जो केवल प्रभु की उपस्थिति के कारण होता है। वह अपने कर्मों के अनुसार प्रदर्शन करती है और इसके बाद विश्राम देती है, परंतु प्रभु का अपना कोई संकल्प नहीं है। वे जीवन की गतिविधियों से अछूते हैं। कोई कार्य या गतिविधि उनके अस्तित्व के अंश का स्पर्श तक नहीं कर सकती। उनकी इस अवस्था की तुलना में हम सूर्य से हम कर सकते हैं, जो जीवन की गतिविधियों और इस सर्वव्यापी आकाश से अछूता और उस पर अन्य चार तत्वों के जटिल गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। हरि ओम तत्सत।